तो दोस्तों को भाई आज को अल्ट्रा प्रो मैक्स विद द हेडजोन के साथ स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन लोग एक्सप्लोर करने वाले हीरो विराइल एसएमपी आप सबकी फेवरेट एंड मेरी ऑल टाइम फेवरेट भाई। लेकिन भाई यार वो दिन पता नहीं कहाँ चलेगा यार, कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं करता भाई, जैसे भी उनका सीन रहता है। एंड ये थी भाई वो हीरो विराइल एसएमपी, भाई क्या ही दिन थे वो। एंड आज से पहले मैंने हीरो विराइल एसएमपी घूमी नहीं है, तो आज ही भाई अपन पूरी हीरो विराइल एसएमपी को घूमेंगे। कैसी किसके एंड कौन सा किसका घर भाई सब कुछ भूल गया, लेकिन देखूंगा तो सारी की सारी पुरानी यादें ताजे हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं भाई अपने हीरो विराइल एसएमपी से, लेट्स बिगिन ब्रो। ऑलराइट गाइस, यार तो ये है देख सकते हो भाई, इसको जानते हो, ये था टाउन हॉल भाई, सारे बंदे यहाँ पे आके बैठते थे। ये देखो सीट लगी हुई है। एंड सामने था यहाँ पर क्या था भाई यहाँ पर, एक मिनट को भी देखते हैं। ये भाई क्या लगा हुआ है, क्या है भाई ये समझ में नहीं आ रहा। ओके ऐसे यहाँ पर होता था, भाषण चलते थे यहाँ पर फुल टाइम। हाँ तो जुबल भाई आपने गलती करी है, हाँ आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता था। एंड इधर पड़ा है भाई ये बीकर एंड अज्जू भाई का हाउस। भाई अज्जू भाई माइनक्राफ्ट के प्लेयर नहीं थे, बट भाई यार जो इन्होंने बैक करा था ना भाई, क्या ही बोलू, खतरनाक माइनक्राफ्ट खेलते थे। एंड उन्होंने कासल बनाया तो बहुत बड़ा। एंड ये है भाई इनका, भाई इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको सस्ता कासल बोलेंगे, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे इनकी कुछ सीक्रेट चीजें भी थी, मेरे को नहीं पता। एंड यहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं। एंड भाई सीक्रेट यहीं कहीं से था, देखो ये है भाई, ये हटा कहाँ का, ये देखो ओ अभी गिर जाता भाई, मैं कह रहा था ना यहाँ पे बटन लगा हुआ था शायद वो। और ये है उनका बीकन, यार बहुत सारी चीजें थी। तो अभी चलते भाई अपन ऊपर। तो ये आ चुके अपन ऊपर। एंड यहाँ पे चेस्ट है जिसमें कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी फसल भी होती थी। एंड सबसे मेन चीज अपने उज्जवल भाई का ये वाला टावर, हीरो विराइल एसएमपी का। अरे भाई कहाँ गया ये भाई, यार अपने उज्जवल भाई का एक और टावर था जो की जला दिया था, इधर साइड था कहीं ना कहीं। एंड जब वो चलाता भाई उज्जवल भाई का जो दिमाग खराब हुआ, पूरा का पूरा हीरो विराइल एसएमपी उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन ये भाई उन्होंने दोबारा सही कर दिया जो भी बंदे थे। एंड सबके तो घर थे भाई, लेकिन हमारे उज्जवल भाई ने बनाया था हीरो ब्रेन का टावर भाई, एकदम खतरनाक। एंड इनके टॉप पे इनका घर। तो अभी चलते हैं भाई अपन सबसे ऊपर। एंड यहाँ पर था मतलब सोने का, यहाँ पर सब आके सो भी सकते हैं। एंड देखो ये चेस्ट पड़ी भाई, इतने सारे यहाँ पर आर्मर रखे है, तो शायद उनका ये। एंड यहाँ पर उनके प्रैक्टिस होती थी, जैसे अभी मैं इसको लूं, बट मेरे पास एरो तो है ही नहीं भाई। ओके ये हैंगे एरो, ये कुछ ऐसे, ये भाई एकदम प्रैक्टिस होती थी यहाँ पर, जो हमसे नहीं आती है तो मैं भी यहीं पे आके कर लूंगा भाई हीरो विराइल एसएमपी। मैं भाई कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ ठीक है। एंड यहाँ से फिर अपन जाते हैं ऊपर। एंड यहाँ पे थे पीवीपी का जो कि बंदे करते थे। रुको भाई करके देखते, भाई मैंने आज तक पीवीपी करी नहीं है, मतलब अभी इतना माइनक्राफ्ट ही नहीं खेलता भाई मैं। अबे बोल बोल ना, अरे यार अभी नहीं पढ़ रहा, अब बोल भाई क्रिटिकल क्यों नहीं पढ़ रहा। ओके पड़ गया भाई इसके, धू भाई बहुत तगड़ा सीन। अबे देखो खत्म। तो उज्जवल भाई को पता नहीं चल जाए यहाँ पे मैंने कुछ सीन कर दिया, उससे पहले भाई ऊपर निकल लो यहाँ से। एंड इधर भाई ये खाली है, यहाँ पर पूरे में लड़ लो भाई, जिसका मर्जी कर रहा है। कुछ ऐसा सीन था यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी ऐसी है, चलो हमको क्या। एंड ये पहुंच चुके हैं भाई अपन उज्जवल भाई के बेस पे, जो कि यहाँ पर उन सबकी चीजें रखी थी जो भी उनको जरूरत था अपने उज्जवल भाई का। ये देख सकते हो भाई इधर बेड है, एंड ये एक आर्मर था, एक इधर आर्मर था, ये है इसमें भाई अपने उज्जवल भाई की सारी चीजें पड़ी थी। एंड ये चेस्ट है भाई, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, मतलब ये था अपने उज्जवल भाई का बेस। लेकिन इसके बाद भाई इनको यहाँ से भी बैन कर दिया था, तो इन्होंने एक अलग जाके हाउस बनाया था, वो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में। लेकिन यहाँ से भाई कुछ इस तरह से नीचे जाते थे अपन, मतलब अपन नहीं वो हमारा, तो भाई क्या ही है। तो ये वाला हाउस भी हो चुका है कम्प्लीट उज्जवल भाई का, भाई क्या ही खतरनाक बनाते थे यार। एंड एक ये घर, ये शायद चपाती भाई का शायद, मेरा कंफर्म नहीं। अरे भाई ये क्या था भाई, अरे भाई अंडरग्राउंड चीजें बहुत बनती है यहाँ पर। ओके गाइस यार तो यहाँ से आ चुके अपन बाहर। एंड ये है भाई अपने उज्जवल, सॉरी उज्जवल नहीं भाई, अज्जू भाई की सोर्ड जो उन्होंने बनाई थी नेदर में जाने के लिए, लेकिन भाई मैं नेदर में नहीं जाऊंगा। एंड ये है अपने खतरनाक ईशान भाई का हाउस, देख लो। एंड 1 मिलियन जब शायद उनके 1 मिलियन हुए थे तो उन्होंने ये लगा दिया था। एंड ये उनका हाउस एकदम भाई लग्जरी हाउस है ये, क्या बात है यार भाई, एकदम खतरनाक बनाया था उन्होंने, बहुत तगड़ा सीन है यार। सारे के सारे यहाँ पर वो थे बंदे। इधर उनका बेडरूम है खुला हुआ बहुत सारी चीजें थी। यहाँ से अपन निकलते बाहर। एंड ये एवेंजर्स टावर्स भाई किसने बनाया था, शायद ये भिक्षु ने बनाया पता नहीं मेरे को, एक मिनट रुको नीचे चलते है भाई नीचे से। ओ भाई ये है, तो अपन कहाँ से जाएंगे इसके अंदर यार, ये क्या बनाते हैं भाई। ओके यहाँ से जाना है हमको, ओ भाई क्या स्पीड है। एंड ये भाई एवेंजर्स टावर, एंड यहाँ से करते थे बोटर बकेट। एंड मैं सोचता था नीचे करूंगा, मैं तो यहीं पे रह गया, चलो छोड़ो। एंड भाई सामने वो किसका घर है यार, हर कहीं घूम ले। एंड ये था शायद चर्च जहाँ पर इनको वो मिलती, लेकिन ये वाला घर देख लेते हैं किसका है, क्या इसकी टांग किसका है भाई। ये अंदर चलते हैं यहाँ से, इधर तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो निकलो इधर से, जिसका उसको पता चल गया मेरे को काट के डाल देगा वो ब्रो। एंड अभी चलते हैं
भाई अपन चर्च में। अरे भाई यहाँ पर आयरन कॉलम भी है, यहाँ पर रहता था भाई जज जो भी होता था भाई, बहुत तगड़ी चीज थी भाई यहाँ पर आने होने की यार, बहुत तगड़ा बेस बनाया था यार, हर चीज इतनी खतरनाक बनाई थी ना इसको कोई जवाब नहीं। एंड इधर भी भाई बीकन है बहुत सारे, एंड ये था भाई अपने एंड्रू बी का फार्म, और ये भाई अपने गैमर फ्लीट का हाउस। गैमर फ्लीट तो भाई क्या ही है भाई यार इस गेम का, और यहाँ पर ये इतनी सारी बो कर रखी है ना। अरे यार ये मुर्गी बोल ले भाई, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। यहाँ से नीचे इनकी भैंस की टांग, ये तो गए, इतना बोलना इनको जरूरी है। टीएनटी दो बे, ये आ चुका है टीएनटी। तो अभी करते हैं भाई अपन यहाँ पर प्लेस। तुम्हारी मुर्गी आज तो कयामत आ गई, तुमको इतना मारूंगा ना मैं जिसका कोई जवाब नहीं भाई। ये तो गए, एंड अभी चलते भाई अपन आग ला के यहाँ से ऊपर। ओ लगी भाई, ओ लगी भाई, निकल निकल भाई, खत्म सारी वर्गी। यो है क्या, अब भी आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो ये तो भाई मेरे ख्याल से सबसे बड़ा भाई ये किसने बना दिया था यार, और मेरे को तो पता भी नहीं भाई कौन सा किसका बेस है। एंड ये भाई इनका फार्म था कोई सा, चलो छोड़ो इसको भाई, इधर से तो अलग ही आवाज आ रही है। एंड ये तो भाई हीरो ब्राइन का स्टैचू, ये किसने बनाया था मेरे को याद नहीं है, चलो छोड़ो। एंड हाँ गाइस यार, अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को सबसे लास्ट का हाउस जो कि था उज्जवल भाई का, ठीक है। एंड सारी चीज मैंने दिखा दी, जो जो चीजें रह गई है मेरे को नहीं पता भाई किसके, लेकिन भाई मेरे को भिक्षु का हाउस नहीं मिला यार। भिक्षु दी कुटिया थी यहाँ पर एक, ओ ये है कि भाई भिक्षु दी कुटिया नहीं दिखी मेरे को, यहाँ पे लिख रहा होगा ये है भिक्षु की कुटिया। ओके भिक्षु की कुटिया में चलते हैं। सोना किधर है भाई यहाँ पर, चलो ये सोने का सीन नहीं है तो यहाँ पर हम सबको सुला देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों भिक्षु भाई माफ कर देना मेरे को, यहाँ से ये गया कुछ, अरे यार इतना गलत। ओके गाइस तो यहाँ पे हो चुके हैं सारे के सारे टीएनटी। यो यहाँ पे क्या होता था भाई पहले, भिक्षु की कुटिया, यहाँ पर कुछ देख ही नहीं रहा है भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन भिक्षु का हाउस नहीं मिला भाई, कुटिया तो मिल गई। एंड ये किसका था, कसिनो। ओके यहाँ पर कसिनो था, मेरे को नहीं पता भाई कसिनो सीनो को छोड़ो। ओके शायद भिक्षु भाई ने भाई अपनी कुटिया तोड़ के यहाँ पर शायद एवेंजर से टावर बना दिया था शायद, चलो छोड़ो। अभी दिखा दूं मैं आप लोगों को अपने उज्जवल भाई का सेकंड हाउस जो कि मेन चीज है। ओके यहाँ से जाना पड़ता है भाई, उस जगह का नहीं पता, लेकिन बंदों ने टेलीपोर्ट का सीन यहाँ पर बना रखा है, ये आ चुका है। एंड अभी चलते हैं हम अपन, ये हो चुके भाई अपन टेलीपोर्ट। एंड देख सकते हो भाई यहाँ से कुछ उज्जवल भाई जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे जाते थे। ओए ऑलराइट गाइस, यार बहुत ज्यादा टाइम के बाद मैं इसके अंदर एंटर हो चुका हूँ यार, पता नहीं भाई क्या क्या आ रहा था, यहाँ से मेरे को निकला ही नहीं जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा भाई अंदर कैसे जाना है। लेकिन अभी भाई अपन आ चुके है अपने उज्जवल भाई की बेस के अंदर, और भाई पता नहीं है क्या यार कैसे लगाया होगा भाई टेक्नो गेमर ने इसको, बहुत खतरनाक चीज है। तो भाई अभी अपन आ चुके है अंदर, ये बात भाई वो है उज्जवल भाई का हाउस शायद उधर, भाई गुस्बम्स आ रहे हैं मेरे को भाई। उज्जवल भाई की कुटिया, और ये उज्जवल भाई की कुटिया नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है भाई, ये देखो यार। एक मिनट भाई आप देखो तो भाई इसके अंदर के इंटीरियर वगैरह चलो जो है सो है, ठीक है बढ़िया एकदम खतरनाक है ये, लेकिन यार एक बार बाहर ये तो देखो भाई क्या बनाया था उज्जवल भाई ने, अकेले बनाया था शायद ये, इतनी बड़ी बेस भाई साहब, कितना तगड़ा ग्राइंड करा होगा उज्जवल भाई ने यहाँ पे, ये लगाओ तुम अभी भाई अगर यहाँ पे उड़ भी चल रहा हो तो पता नहीं भाई उज्जवल भाई कितनी सीक्रेट ये बना देते। लेकिन भाई एक बार ये बेस तो देखो यार भाई, यहाँ पे मेरा मन खुश हो गया भाई। एंड आप बताओ भाई आपको कितना मजा आया हीरो ब्राइन एसएमपी को एक्सप्लोर करने में मेरे साथ, ठीक है बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ गाइस यार तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आपके भाई ने GTA 5 की बहुत ज्यादा खतरनाक सीरीज स्टार्ट कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक करा होगा, जाके देख लेना। सो लेट्स बाय।